हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेरा जो टॉपिक है पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो पार्टिकल इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स में जो हमारे केस हैं वो दो तरीका के होंगे। देयर विल बी टू टाइप ऑफ द केसेज। वन इज व्हेन द पार्टिकल इज इन द क्यूबॉइड और सेकेंड केस होगा व्हेन द पार्टिकल इज इन द क्यूबिक बॉक्स, है ना। तो दो तरीका से इस प्रॉब्लम को लेंगे और प्रॉब्लम पर फिर अप्लाइड क्वेश्चन पर जाएंगे आगे। तो पहले मैं इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाता हूँ और थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ इसका मैं समझाता हूँ कैसे इलोबरेट करते हैं और फिर अप्लाई प्रॉब्लम कराता हूँ, क्या क्या इस पर आती रही है प्रॉब्लम, क्या आगे फर्दर स्कोप है। लगातार बताता रहूँगा कि फर्दर क्या पॉसिबल चीज़ें हैं क्वेश्चन की, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होती हैं कि क्वेश्चन आगे क्या आने वाला है। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन और पार्टिकल इन टू डायमेंशनल बॉक्स की का एक फर्दर स्टेप आगे है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि पहले हम ये बताएं कि क्यूबॉइड बॉक्स की लेंथ क्या है। तो क्या मान लें कि क्यूबॉइड बॉक्स की जो लेंथ है उन्हें मान लें कि क्यूबॉइड बॉक्स जो लेंथ है उनकी एल एक्स एल वाई और एल जेड है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वी एक्स वो हम जीरो लेंगे, कब, जब हमारा एक्स जीरो और एल एक्स के बीच है। एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ जो है बॉक्स की क्यूबॉइड बॉक्स की वो एल एक्स है। वी वाई जो है वो जीरो होगा, कब होगा, जब हमारा वाई किस किस के बीच में लाई करेगा, जीरो से लेकर एल वाई के बीच। और वी जेड जो होगा वो भी जीरो होगा, कब होगा, जब हमारा जेड कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है बच्चों, जीरो से लेकर एल जेड के बीच। और वी एक्स वाई जेड जो होता है हमारा वो रहेगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारी हम कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी जो टोटल होती है वो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल एनर्जी और जेड एक्सिस के अलोंग। इसमें हम एक क्यूबॉइड बॉक्स भी बना सकते हैं इसको समझाने के लिए। ये हमारा एक क्यूबॉइड बॉक्स ले लें। क्यूबॉइड बॉक्स बनाते समय एक चीज सदा याद रखें कि लेंथों को इक्वल ला लें, लेंथों को क्या रखें, कम और ज्यादा रखें। एल एक्स और एल वाई एल जेड हमारा क्या नहीं रखना है, हमें इक्वल नहीं रखना है। अगर हमने इक्वल रख दिया तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा एल एक्स हो गया इधर, ये एल वाई हो गया और ये एल जेड हो गया। अगर इस डायग्राम को आप देख रहे हो ना तो एल एक्स थोड़ा छोटा, एल वाई के मुकाबले एल एक्स छोटा है और एल जेड और भी छोटा है। तो बस ये डायग्राम में हमें रखना होगा कि मतलब आपस में ये क्या ना हो, एल एक्स हमारा किसके बराबर ना हो, एल वाई के, और ये आपस में इक्वल ना हो। क्या कौन सा बॉक्स कहेंगे इसे बच्चों, क्यूबॉइड। तो हमें क्या करना होगा कि हमें दो चीजें यहां पे महत्वपूर्ण होती हैं हमारे लिए बता करनी कि वेव फंक्शंस ले लें एक्स एक्सिस में, पहले वेव फंक्शन ले लें। जब हमारा पोटेंशियल ये है तो साई एक्स हमें पता चल जाएगा। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो होता है वो रहता है इसका रूट टू अपॉन एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स, ये आ गया हमारा साई एक्स। एक्स के अलोंग वेव फंक्शन जब पार्टिकल क्यूबॉइड बॉक्स में है, लेंथ एक्स एक्सिस पे कितनी है, एल एक्स है। और साई वाई जो आ जाएगा वाई डायरेक्शन में वो आ जाएगा हमारा रूट टू अपॉन एल वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई। और साई जेड हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इजकल टू रूट टू अपॉन एल जेड साइन एन जेड पाई वाई अपॉन एल जेड। बेसिकली इस लेक्चर में तो जो मेरा डिस्कशन रहेगा वो इसका पूरा डिस्कशन रहेगा, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और कुछ छोटे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं इस पर डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो देने वाला हूं इसके तुरंत बाद ही जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा उसमें मैं अप्लाइड प्रॉब्लम करा रहा हूँ तीनों बॉक्सों पे। कुछ प्रॉब्लम लूंगा 1D की, फिर 2D की, 3D की। 1D पे वैसे मैं काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूँ लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करूंगा 2D और 3D पे अप्लाइड कराने का। तो यह आपने वेव फंक्शन ले लिया, ये हमारा उस तरीका से था कि अगर पार्टिकल केवल एक्स दिशा में जाता और केवल वन डायमेंशनल बॉक्स होता तो ये होता एक्स एक्सिस के अंदर वेव फंक्शन, वाई पे होता केवल तो ये होता और जेड पर होता तो ये होता। और तीनों में हम कैसे ले कि मैंने पहले ही बताया था कि हम डायमेंशंस के तहत अगर जाते हैं तो
डायमेंशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग डायमेंशन पर वेव फंक्शन ले लेते हैं और फिर उन्हें आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक मेरी वीडियो जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वो इस चीज़ पाई थी कि वेव फंक्शंस का मल्टीप्लीसिटी प्रॉपर्टी को ओबे करता है। और एक साथ साथ मैंने क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था कब हमारा उसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टी यूज लगेगी, कब हम सुपरपोजिशन लगाते हैं। तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, साई एक्स की वैल्यू रखें यहाँ पे रूट टू अपॉन एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स, और दूसरा हमारा आ जाएगा रूट टू अपॉन एल वाई साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई। सिमेट्री हमारे जीवन का एक अनिवार्य पार्ट है, बहुत ज़्यादा काम आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। रूट टू अपॉन एल जेड साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड, ये हमारे पास नेट वेव फंक्शन हो गया। और क्वेश्चंस इसमें पूछ सकता है, जैसे हमसे कहेगा कि थ्री डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जो वेव फंक्शन होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, तो हमें ये आंसर मार्क करना है। ये क्यूबॉइड के अंदर वेव फंक्शन है, एन एक्स एन वाई एन जेड यहाँ पे इंटीजर्स हैं। क्या है एन एक्स एन वाई एन जेड, ये इंटीजर्स हैं। और एन एक्स एन वाई एन जेड की जो वैल्यू है इंटीजर्स में, ये हमारी सदा कहाँ से शुरू होगी, वन टू थ्री एंड सो ऑन। उसके बाद हम क्या करें कि एनर्जी कैलकुलेशन के लिए जाएंगे हम, तो एनर्जी हम कैसे लेंगे कैलकुलेट। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस यहाँ महत्वपूर्ण है, एक तो हमें क्या हो वेव फंक्शन, हमें पता चल गया कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। एक इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैं वेव फंक्शन पर भी एक क्वेश्चन बता दूं जो ज्यादातर पूछा जाता है। वो इसमें जैसे दे देता है, कहता है कि साई एक्स वाई जेड की वैल्यू ए साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स साइन एन वाई पाई वाई अपॉन एल वाई साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल जेड है। अब पूछता है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट बताओ, तो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट जो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इसका माना जाएगा वो ये टर्म्स और ये टर्म्स, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इसमें नॉर्मलाइजेशन के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की बात करें कि भाई नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट जो होता है वो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहाँ होती है रूट टू अपॉन एल एक्स अंडर रूट टू अपॉन एल वाई अंडर रूट टू अपॉन एल जेड, ये इसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है। ये तो एक्स एक्सिस के कारण है नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, ये वाई एक्सिस के कारण है और ये जेड एक्सिस के कारण है। पार्टिकल एक्स एक्सिस के ऊपर हम वन डी बॉक्स अगर मान के चल रहे हैं तो ये टर्म आएगी, और वाई एक्सिस पे वन डी ले रहे हैं तो ये आएगी, और जेड एक्सिस पे वन डी ले के आ रहे हैं तो ये आएगी, और थ्री डी इसलिए हो गया क्योंकि वन डी वन डी वन डी तीनों केस मिल के कितने बन गए, थ्री डायमेंशन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ पे क्या पूछता है, जैसे हमसे एल एक्स एल वाई और एल जेड की वैल्यू देगा और नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा, तो आप आंसर में क्या मार्क करेंगे, आप आंसर को बहुत इजीली मार्क कर देंगे कि हाँ एल एक्स एल वाई एल जेड की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है उनमें पुट कर दें और आंसर सॉल्व कर दें। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें डायमेंशनली अगर ये पूछता है कि नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन यहाँ कितनी होगी, तो लेंथ की पावर माइनस थ्री बाई टू डायमेंशन होगी इसकी, समझे बात को। यहां से डायमेंशन जो आएगी वो एल की पावर माइनस हाफ है, यहाँ एल की पावर माइनस हाफ यहाँ से आएगी, एल की पावर माइनस यहाँ पे यहाँ से आएगी। और कंपटीशन की दुनिया में आ चुका है, जैसे पूछेगा कि डायमेंशन जो होती है वो मीटर की पावर माइनस थ्री बाई टू में होगी, मीटर की पावर माइनस वन में होगी, मीटर की पावर माइनस हाफ में होगी, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर मार्क करेंगे मीटर की पावर माइनस तीन बटे दो। और साथ साथ ये भी याद रखें कि वन डी का जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है, एन का मतलब क्या पढ़े हैं इसे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट, कभी यही ना पता चले आपको बाद में कि सर ने एन जो लिखा था वो किसके लिए लिख रखा है। और वन डी का एन कॉन्स्टेंट नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन अगर कहता है तो एल की पावर माइनस हाफ, टू डी का पूछता है तो एल की पावर माइनस वन, ये हमारा आ जाएगा मीटर की पावर माइनस हाफ, और ये आ जाएगा हमारा मीटर की पावर माइनस वन टू डी में, और थ्री डी में मीटर की पावर माइनस थ्री बाई टू, ये आपको पता हो। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है इस पर, अभी मैं अप्लाइड पोर्शंस में कुछ चीज़ें बताऊंगा,
ये भी बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, ये भी बताऊंगा आजकल हॉट टॉपिक क्या बने हुए हैं यहाँ से, उन्हें मैं बहुत डिटेल डिस्कशन में लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, अप्लाइड में, नेट में भी आ चुका है, गेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एक काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है इसे मैं क्वांटम मैकेनिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को मैं गिनता हूँ, पार्टिकल इन 2D बॉक्स और 3D बॉक्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं, 1D तो सदा इंपॉर्टेंट रहता है, उस पर तो क्वेश्चनों की भरमार रहती है, लेकिन 2D 3D इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब एग्जामिनर को लगता है कि 1D ज़्यादा बार पूछा जा चुका है तो 2D 3D में चला जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लाइन ऑफ एक्शन इसकी बहुत क्लियर भी आपको रहनी चाहिए। अब आपके पास है बच्चों एनर्जी पता करनी कि भाई एनर्जी हमें कैसे पता चले, तो एनर्जी आप किस एलोग में लें, एक्स एक्सिस पे लें, वाई डायरेक्शन पे लें और जेड में लें, पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में जो एनर्जी होगी इस केस के अंदर वो हमारी होगी एन एक्स स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और एल एक्स स्क्वायर, वाई पे क्या होगी एन वाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल जेड स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद रखें, और इससे भी अच्छा क्या करें ब्रैकेट में बंद करने के लिए कि जो टर्म्स इसमें कॉमन निकल रही थी उसको पहले कॉमन निकाल दें, क्या कॉमन निकल रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और सब ये तो सब ऑलवेज याद रखें कि एच कट का मतलब होता है हमारा एच अपॉन टू पाई, इसे कभी ना भूलें, जब भी एच के ऊपर कट मतलब एच कट में लिखा हुआ हो उसका मतलब एच अपॉन टू पाई होता है, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को बच्चों क्या करें कॉमन निकाल दें, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एन एक्स स्क्वायर अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन एल वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन एल जेड स्क्वायर, ये हमारे दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसी से लिया है इसमें, बस मैंने ये कॉमन टर्म निकाल दिया, एन एक्स एन वाई एन जेड इंटीजर्स हैं, और ये भी याद रखें कि यहाँ पे इंटीजर्स की जो वैल्यू है ये सदा 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलती है, तो आपके तीन चीज़ें आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गई, क्या आपने क्यूबर्ट बॉक्स दिखा दिया एन एक्स एल वाई एल जेड इसकी साइड दिखा दी, फिर आपने क्या किया एक्स एक्सिस पे वेव फंक्शन बता दिया, वाई पे बता दिया और जेड पे बता दिया, और नेट वेव फंक्शन को क्या लिखा मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से नेट वेव फंक्शन बता दिया, जैसे ही आपने नेट वेव फंक्शन बताया तो आपने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट को बता दिया कि भाई वो उसकी डायमेंशन क्या होगी, ये कंपटीशंस की दुनिया में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए मैंने डिस्कस किया है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मीटर की पावर माइनस हाफ में नपता है 1D के लिए, 2D के लिए मीटर की पावर माइनस 1 में, और 3D के लिए मीटर की पावर माइनस 3/2 में, अगर लेंथ में कह रहा चाहता है आंसर तो एल की पावर माइनस हाफ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट लगाएं 1D में, एल की पावर माइनस 1 लगाएं किस में 2D में, और L की पावर माइनस 3/2 लगाएं किस में 3D में, तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। उसके बाद क्या करें कि पार्टिकल को 1D से आपके लिए देखो महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण सदा आपके लिए यह है कि आपको 1D से 3D और 1D से 2D और 3D बनाना आना चाहिए, आप कहेंगे सर इसी से आप क्या करो हमें 2D में ले जाओ, तो मैं आपसे कहूंगा आप इस कंसेप्ट को हटा दो जेड वाले को, केवल क्या करो इन दोनों टर्मों को ले लो, इस जेड वाले कंसेप्ट को मत लगाओ, 2D में आ जाओगे, बात समझ गए, तो 2D में 3G से 2D में आने में कोई दिक्कत नहीं, साई जेड को हटा दो, केवल एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल है, फिर वाई जेड में है तो क्या करो एक्स को हटा दो इसमें से फंक्शन में से, पार्टिकल जेड एक्स प्लेन में है और लेकिन हमारे रेक्टेंगुलर बॉक्स में है तो जेड और एक्स वाला वेव फंक्शन ले लो, वाई वाला हटा दो, आप ऑलवेज स्मार्ट रहो, मींस क्वेश्चन कैसे बदल के आना है कुछ नहीं पता है, आपको 3D से 2D, 2D से 1D में आना चाहिए। अब आपने कहा सर एनर्जी हम आपने हमारे लिए लिख दी 3D की, हम चाहते हैं से 2D की चाहते हैं, इस टर्म को हटा दो, किस में आगे 2D में आगे, और 2D में भी रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए आगे, आप इसे 3D बनाना चाहते हैं तो ये 3D में बन गया, 2D में ये यहां से बन गया, लेकिन ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में बना, अब आप चाहे तो एक्सैक्ट प्लेन में बना दो, तो इस टर्म को ढक लो बाकी को लिख दो, वो हमारा कौन से प्लेन में बन जाएगा एक्स और जेड में, वाई जेड में कहता है रेक्टेंगुलर बॉक्स है वाई जेड प्लेन में, तो ये टर्मों को ले लो, इसको हटा दो,
सिमेट्री और जो तुम्हारे कंसेप्ट हैं वो साउंड होने इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आप 1D से 2D और 2D से 3D में बनने आने में आपके लिए कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। केवल 1D बॉक्स को आप डिस्कस करते हो, 1D बॉक्स के बाद 2D 3D उसकी एक कॉरोली है, बस आपको एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, क्या कि वेव फंक्शन मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी को ओबे करता है और साथ में एनर्जी स्केलर क्वांटिटी एडिटिव होती है और आप इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट में आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपको खुद ही पता चल रहा है कैसे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारा आ रहा है। अब क्वेश्चंस कहां से शुरू होते हैं, आप अब यहां से जब क्वेश्चंस पे जाएंगे तो दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को बांटेंगे कि मैं इसी क्वेश्चन को पहले, क्योंकि मैं क्या चाहूंगा, पहले मैं चाहूंगा कि इसकी मैं थ्योरी कवर कर दूं और किन की, दोनों की, किस किस की, क्यूबिक की भी और क्यूबॉइड की। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी क्यूबॉइड की थ्योरी मेरे पास है, मुझे इस क्यूबॉइड से किस में आना है, क्यूबिक में आना है। तो क्यूबिक में आने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना है, केवल एक लाइन लिखने की जरूरत है कि क्यूबिक के लिए लेंथ जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी और इनको लेटस से एल कह दो। जैसे ही आप ऐसा कहते हो तो ये तो वेव फंक्शन हमारा किसके लिए था, ये था हमारा क्यूबॉइड के लिए। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखे दे रहा हूं क्योंकि बच्चे बाद में कहते हैं सर कुछ कम दिखाई दे रहा था बोर्ड पे, तो ये मैंने लिख दिया ये क्यूबॉइड के लिए था। अब आप इसका बनाना चाहते हैं कि क्यूब के लिए वेव फंक्शन बन जाए, तो आप कुछ ना करें केवल यहां पे बदलाव कर दें वही, और कुछ नहीं करना है। साई एक्स वाई जेड ये लेके चले, इजकल टू कितना कर दें, 2√2 अपॉन 1 अपॉन एल एक्स अंडर रूट 1 अपॉन एल वाई अंडर रूट 1 अपॉन एल जेड। √2√2 मल्टीप्लाई करके 2 बन गया और एक √2 और रह गया तो वो 2√2 आ गया, और ये एल एक्स एल वाई एल जेड की जगह पे क्या ले आए, इनको इक्वल कर दें तो एल की पावर कितना, नीचे डिवीजन में लिख पाएंगे और यहां से क्या आ जाएगा उसे मैं चलो एक अलग लाइन में लिख दूंगा, ये आ जाएगा एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल और साइन, नीचे तक का बोर्ड कवर हो रहा है कैमरा में, एन वाई पाई वाई अपॉन एल साइन एन जेड पाई जेड अपॉन एल, ये आ गया। और इस तीनों की जगह पे इन तीनों को हटा दो और क्या लिख दो यहां से, बोलो बच्चों, मुझे लग रहा है 1/L^3/2 ना लिख दूं, वो ज्यादा बढ़िया है, L^2 बस। ये हमारा क्या आ गया, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है और इसको मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फोर, यहां पे क्या लिख दूं इसे, क्यूबॉइड की जगह क्यूबिक, ये क्यूबिक बॉक्स में हो गया। अब यहां पे ये तो था हमारा क्यूबॉइड के लिए एनर्जी, और इसको क्यूबॉइड को मुझे किस में बदलना है, क्यूबॉइड को हम मुझे बदलना है क्यूबिक में, तो क्यूबिक के लिए मुझे क्या करना होगा, एल एक्स को एल वाई और एल जेड बराबर एल कर दूं इस फॉर्मूले में, और कुछ करना ही नहीं है। तो एनर्जी मेरी कितनी बन जाएगी, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये मेरा एनर्जी एक्सप्रेशन हो गया। ये किसकी एनर्जी है, ये क्यूबिक बॉक्स एनर्जी है, क्यूबिक बॉक्स एनर्जी एक्सप्रेशन। कहां तक पहुंचे बच्चों, चार चीजें मैं इसमें चाहता था कि आपको चार चीजें आ जाएं, और उन चार चीजों को लाने के लिए फिर मैं एक बार तेजी से रिवाइज कराता हूं, और इन चारों चीजों को पूरा करने के बाद जैसे हमें ये पता चलती हैं उसके बाद इस पर हमारा पोर्शन कौन सा शुरू हो जाएगा, अप्लाइड पोर्शन, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन चाहेंगे कि इस पर क्वेश्चन हो सॉल्व। मैं क्या चाहूंगा कि एक बार इसका बहुत तेजी से रिवीजन करा दूं, आपको बता दूं कैसे चीजें मैंने डेवलप की। पार्टिकल वन डायमेंशंस में अगर लेंथ एल एक्स के ऊपर था, डायमेंशन हमारी थी एक्स एक्सिस पे एल एक्स तक, तो ये वेव फंक्शन होगा,
अंडर रूट टू अपॉन एल एक्स साइन एन एक्स पाई एक्स अपॉन एल एक्स। एन एक्स है इंटीजर्स और ये एक्स एक्सिस पे है, एल एक्स यहाँ पे लेंथ हो गई एलोंग एक्स एक्सिस, और बाकी एक्स हमें पोजिशन पता ही है। उसके बाद एक्स के करस्पॉन्डिंग फिर वाई पे जाएँ, सिमिलरली फिर जेड पे जाएँ। और वेव फंक्शंस जो होता है डायमेंशन में सदा याद रखें कि एक्स एक्सिस पे डायमेंशन पे वेव फंक्शन लिख दें, वाई पे लिख दें और जेड पे लिख दें। अगर हमें नेट वेव फंक्शन लिखना है तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लीसिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देना है। साई एक्स वाई जेड हमारा हो जाएगा साई एक्स साई वाई साई जेड। अगर इसी वेव फंक्शन को हमें किस में बदलना है, फिर ये हमारा क्यूबॉइड के लिए था, अगर क्यूबिक में बदलना है तो लेंथों को इक्वल कर दें, एल एक्स इजकल टू एल वाई इजकल टू एल जेड इजकल टू एल, सबको इक्वल करके लेंथ एल के बराबर कर दें। वहाँ पे वेव फंक्शन हमारा ये हो जाएगा, केवल हमें इस वेव फंक्शन में एल एक्स एल वाई को एल जेड के इक्वल करना है, ये वेव फंक्शन हमारा ये हो गया। फिर हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्यूबॉइड के लिए आ गया, अब हमें इसे क्यूबिक के लिए कन्वर्ट करना है। तो क्यूबिक कन्वर्जन में हमें क्या करना होगा, क्यूबिक कन्वर्जन में हमारे पास जो क्वेश्चन यही बन जाएगा, उस क्यूबिक कन्वर्जन में हमारे लिए क्वेश्चन इस फॉर्म में बदलेगा कि जैसे ही हम एल एक्स एल वाई एल जेड को इक्वल कर देंगे तो ये हमारा वेव फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे एल एक्स की जगह पे एल लिख दें, यहाँ एल वाई की जगह एल लिख दें, एल जेड की जगह एल लिख दें, तो ये वेव फंक्शन ये बनेगा और ये वैल्यू जो है हमारे नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की ये बन जाएगी, क्योंकि रूट टू बाई एल एक्स रूट टू अपॉन एल वाई रूट टू अपॉन एल जेड में एल एक्स बराबर एल वाई बराबर एल जेड इजकल टू एल कर दो तो ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन यहाँ भी वही रहेगी, मीटर की पावर -3/2 या लेंथ की पावर -1/2, जैसी किस्में थी क्यूबॉइड में डायमेंशनली, लेकिन वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्यूबॉइड में रहेगा रूट टू अपॉन एल एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट टू अपॉन एल वाई मल्टीप्लाइड बाई रूट टू अपॉन एल जेड, ये क्यूबॉइड में रहेगा। क्यूबिक्स में जो है वो बन जाएगा 2√2 / L³/3/2, ये हमें चीज़ें पता हूँ। एनर्जी एक्सप्रेशन में जब हम इस एक्सप्रेशन से एनर्जी को क्या करेंगे, जब एनर्जी लेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे एनर्जी लिख दें सीधी पार्टिकल वन डी बॉक्स की, ये एक्स एक्सिस पे एनर्जी है, ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे, एनर्जी स्केलर होती है तो सीधी ऐड कर दें। ऐड करने के बाद पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन निकल गया, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसी एक्सप्रेशन को किस में जाएं, क्यूब में बदलना है तो एल एक्स को एल वाई के इक्वल कर दें इजकल टू एल जेड इजकल टू एल कर दें, ये एक्सप्रेशन हमारा किसके लिए कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूबिक के लिए हो जाएगा। ये एनर्जी एक्सप्रेशन क्यूबॉइड के लिए है और ये क्यूबिक बॉक्स के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आई होगी। साथ साथ मैं ऑलवेज बताता रहा हूँ कि 1D से 2D और 2D से 3D में हम कैसे पहुँचें, ये एक वो ही कला है और कुछ नहीं है। अगर इसी का हमें 2D बनाना था तो एक डायरेक्शन को कवर ना करें, दो को ले लें। साथ साथ ये याद रखें कि जो हमारा पार्टिकल इन ए बॉक्स है उसके अंदर अगर बॉक्स की लेंथ 0 से लेकर एल तक है तो सॉल्यूशन साइन में होगा, अगर बॉक्स की लेंथ -L/2 से L/2 है तो सॉल्यूशन साइन और कोसाइन दोनों में होगा। साइन सॉल्यूशन वहां पे जब होगा जब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन, और अगर एन जो इंटीजर है जो हमारा क्वांटम नंबर्स है अगर वो ऑड वैल्यू रखेगा तो सॉल्यूशन कोसाइन हो जाएगा, एक ये बात याद रखें। साथ साथ ये याद रखें कि हमारे जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस में साइन दो बार आएगा, एक एक्स एक्सिस पे साइन आएगा एक वाई एक्सिस पे आएगा तो मल्टीप्लाई होकर आएगा, आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। और अगर हमारा क्यूबॉइड बॉक्स है तो साइन जो है वो तीन बार आएगा, एक बार एक्स एक्सिस पे साइन आएगा एक बार वाई एक्सिस पे साइन आएगा एक बार जेड पे आएगा, ये हमें पता हो। अब हमारा अगला जो काम शुरू होगा वो महत्वपूर्ण काम शुरू होगा जब हम इस पर क्या कर रहे होंगे, जब हम इस पर अप्लाइड क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या आते हैं। तो इजी क्वेश्चंस जो इस पे आए हुए हैं वो मैं आपको बता दूं इजी क्वेश्चंस क्या आते हैं। इजी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इसके ऊपर कि सिंपली सॉल्यूशन ही पूछ लेता है। जैसे उसने कहा कि एक बार एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को कहा कि आप एक वैलिड सॉल्यूशंस बताएं, और किसके लिए आपको बताना था, बताना था स्क्वायर बॉक्स में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई प्लेन में स्क्वायर बॉक्स था तो आपको केवल और केवल क्या कर देना है, स्क्वायर बॉक्स के लिए इस टर्म को तो हटा दो, इस केवल इस टर्म को ले लो और इसमें एल एक्स बराबर एल वाई बराबर एल ले लो, ये स्क्वायर बॉक्स के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको हटा देना ये वाली टर्म को, क्योंकि तो 3 की देगा, ये बन गया स्क्वायर बॉक्स का, एल एक्स बराबर एल वाई आंसर आ गया, आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चंस ये जमाना हमारा चला गया, कौन सा वाला, जिसमें यह पूछता था पार्टिकल इन ए बॉक्स में सॉल्यूशन क्या होता है, वो सब जानते हैं साइनसॉइडल सॉल्यूशन होता है, साइन सॉल्यूशन होता है।
जमाने में क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं, माइनस एल बाई टू, एल बाई टू पर सोल्यूशन क्या होता है, बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ, साइन कॉस दोनों सोल्यूशन होते हैं। अब आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आगे अभी अपलोड करने जा रहा हूँ इसी क्रम में, इनके अप्लाइड प्रॉब्लम्स पर लूंगा। तो यहाँ पर टाइटल्स जो मैं करूँगा अगले लेक्चर्स का, उसके ऊपर टॉपिक तो मेरा यही रहेगा, लेकिन ये इसमें तो मैंने केवल छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। अब मैं जाऊँगा इसी अगले लेक्चर के लिए, जब मैं इन पर क्या डिस्कस कर रहा हूँ, अप्लाइड कंसेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, क्या कंसेप्ट्स इस पर पूछे जा रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसके ऊपर पेपर में आ रही हैं। और एक मेरा आजकल हॉट कंसेप्ट रहता है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वेश्चंस, ये मैं भी डिस्कस करूँगा इसी पर, क्या फर्दर क्या स्कोप है क्वेश्चंस का, फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, ये मेरा जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देखने के बाद में अगली वीडियो को पे भी फोकस रखेंगे और अप्लाइड कंसेप्ट के लिए तैयार रहेंगे। कोई क्रॉस क्वेश्चन आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं इस वीडियो में, जो जहाँ तक मैंने चीज़ें बताई हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, नो प्रॉब्लम। चलो तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, मैं अगला लेक्चर इसी क्रम में आगे बढ़ाने वाला हूँ। और एक कोशिश करें, पीछे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि लेक्चरों की संख्या जरूर लिखते रहें, लेक्चर नंबर देश, लेक्चर नंबर देश। हाँ जी, ये हमारा अब से पहले वाला लेक्चर कौन सा था? तो ये हमारा जो लेक्चर चल रहा था, जो अभी मैं डिलीवर कर रहा था, वो मेरा लेक्चर नंबर 23 था। और ये जो अभी आने वाला लेक्चर है उसी क्रम में, ये लेक्चर नंबर कितना बनने वाला है? 24। ये इस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है जिसे मैं अब आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इस बिगर कंसेप्ट को सीखे हुए आप फ्यूचर पॉसिबिलिटी ना तो क्वेश्चन की प्रिजेक्ट करने की स्थिति में होंगे, और ना ही दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि पहले सबसे पहले कोशिश ये करें कि चीज़ों को डेवलपमेंट समझ लें, फिर उस पर अप्लाई करें। ऐसा ना करें कि सीधा डायरेक्ट अप्लाई पर जाएं। बच्चे शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं, शॉर्टकट ना ढूंढें, पहले थ्योरी कंसेप्ट को समझ लें मजबूती के साथ, फिर उस पर अप्लाई क्वेश्चन करें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।